फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके साथ लेमन राइस की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे हम बचे हुए चावल से बनाकर तैयार करेंगे। मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है। अगर आपके पास समय कम हो और कुछ चटपटा और मज़ेदार खाना चाहते हैं, तो एक बार आप इन लेमन राइस को बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने फ्राइड राइस, कर्ड राइस और शेजवान राइस तो बहुत बार बनाया होगा, एक बार इस रेसिपी को भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर या फिर जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी इसे बनाकर खा सकते हैं। और यदि आप वर्किंग वूमेन हैं तो भी आप इसे लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं। चलिए तो फटाफट से इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप हमारे पास चावल है। अक्सर घर में चावल बच जाता है तो हम सोचते हैं क्या बनाएं, तो आज बिल्कुल नई रेसिपी आप ट्राई करिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लेंगे। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1/2 चम्मच सरसों दाना, आप राई का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच चना दाल और 1 ही चम्मच इसमें हम उड़द दाल डालेंगे। अच्छे से इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। दाल जले ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ में डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और कुछ करी पत्ते, और इसको भी कुछ सेकेंड के लिए हम भून लेते हैं। तो तड़का हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा कम खाते हो तो आप मिर्च कम डालिएगा। इनको भी हम भून लेते हैं 1 मिनट के लिए, जिससे अदरक में जो कच्चापन हो वो निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच मूंगफली, और ये 8-10 काजू हैं जिन्हें हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। इनको भी डाल देते हैं और इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। काजू का कलर चेंज ना हो इसलिए आप इसे लो फ्लेम पर भूनिएगा। तो ये देखिए, काजू और मूंगफली भी बहुत अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसमें कलर के लिए डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी को भी मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम आप इस समय बंद कर दीजिएगा। और लेमन राइस बना रहे हैं तो लेमन डालना तो बनता है, तो 1 नींबू का रस हम इसमें निचोड़ कर डाल देते हैं और एक बार वापस से अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये तड़का पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब इसमें हम बचे हुए चावलों को डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम पहले ही बंद कर चुके हैं, बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यदि आपको हल्दी कम लग रही हो तो हल्दी आप थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। और अच्छे से इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम भून लेंगे, जिससे तड़के का पूरा टेस्ट हमारे चावलों में आ जाए। तो ये लीजिए, हमारा लेमन राइस बनकर तैयार है और गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद है। अब सबसे लास्ट में इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत छोटी सी रेसिपी है पर बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। तो नमक को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और हल्के हाथ से इसको भी मिक्स कर देंगे। तो लेमन राइस हमारे बनकर तैयार है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के साथ या फिर लंच, डिनर किसी में भी बनाकर खा सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। ये ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए इनको हम सर्व कर लेते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमने इन्हें बचे हुए चावलों से बनाकर तैयार किया है, लेकिन आप फ्रेश चावल बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं। पर चावल बिल्कुल ठंडा लीजिएगा, जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी आप उस पर तड़का लगाइएगा। तो लेमन राइस हमारे बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। तो आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।